नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और 16वें अध्याय में है आज इंद्र को राज्य दिलाने के लिए अदिति का धारण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और प्लीज मुझे बताना कमेंट करके कि मैंने कहाँ पे मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, और मैं और भी अच्छा बोलने की कोशिश करूंगी, आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह हाल मालूम हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ पूरा करना चाहता है, तब चिंतित होने लगा। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों को राज्यहीन देखकर बहुत दुखित रहती थी। तब उसने देवताओं द्वारा राजा बलि के मनोरथ को सुना, तब उसे और भी अधिक दुख हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन वह इसी शोक में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास बैठी हुई थी। उस समय उसे मलिन मुख देखकर कश्यप जी ने उससे पूछा, हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई मुनि अथवा कोई अतिथि बिना भोजन पाए लौट गया क्या? जो भी कारण हो वह मुझे शीघ्र बताओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर देते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई मुनि अथवा कोई अतिथि भूखा नहीं लौटा है, परंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से बहुत दुखी रहती हूँ, इसलिए मेरा मुख उदास दिखलाई देता है। अतः आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यह बात सुनकर कश्यप जी बोले, हे अतिथि, देवता और दैत्य दोनों ही मेरे पुत्र हैं। देवता भी और दैत्य भी दोनों मेरे पुत्र हैं। वे अपने अज्ञान के वश यह नहीं जानते कि श्री नारायण जी की जो इच्छा होती है वही होता है, तब देवताओं को राज्य प्राप्त होता है। जब देवताओं को राज्य प्राप्त होता है तो तेरी सौदिति आठों पहर रोती है, और जब दैत्यों को राज्य मिल जाता है तब तो उदास हो जाती है। अतः मुझे किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तू अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहती है तो श्री नारायण जी की शरण में जा, वह तेरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर अदिति ने प्रार्थना की, हे नाथ, इसके लिए मुझे श्री नारायण का कौन सा व्रत करना चाहिए? कृपा करके इतना और बतला दीजिए। कश्यप जी ने उत्तर दिया कि तू फागुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन केशव भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दे। उस व्रत में ब्रह्मचर्य से रहना और दूध के अलावा अन्य किसी वस्तु का सेवन नहीं करना तथा पृथ्वी पर सोना उत्तम है। शुकर द्वारा खोदी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्री नारायण का विधिवत पूजन करना, और अग्नि में 108 खीर की आहुति देकर उसी खीर से श्री नारायण जी का भोग लगाना। इसी प्रकार से केशव भगवान का ध्यान करते हुए 12 दिन तक इस व्रत का पालन करना। तत्पश्चात फागुन शुक्ल द्वादशी को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना, और आचार्य को दान दक्षिणा देकर प्रश्न करना, फिर उन्हें विदा करके रात्रि में प्रभु से निमित्त जागरण कराना। इस व्रत को करने से तेरा सारा मनोरथ अवश्य ही सफल हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। हर हर